गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स डेर स्टूडेंट्स वी वर डूइंग चैप्टर काइट्स क्लियर कि काइट क्या होता है किस तरह से काइट को फ्लाई किया जाता है एंड हु स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स फर्स्टली एंड वेन एंड वट वर द यूजेज ऑफ काइट्स इन प्रीवियस टाइम क्लियर एंड वी हैव रेड अबाउट द फेमस इन्वेंटर ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु कंडक्ट अ फेमस फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ काइट क्या किया था उसने एज यू कैन सीन दिस पिक्चर उसने काइट को एक स्टोरमी आफ्टरनून को स्काई के अंदर फ्लाई किया और उसके चारों ओर आयरन की वायर लगाई थी और उसके स्ट्रिंग से उसने ब्रश यानी कि जो, जो पीतल की जो की है उसको टाई किया था और एंडिंग में उसने क्या किया था सिल्क रिबन से उसको होल्ड किया था काइट को ताकि अगर वो बारिश में वेट हो जाए तो वो उस मतलब उससे उसको करंट ना लगे एंड व्हाट ही वांट टू शो वो क्या दिखाना चाहता था वो ये साबित करना चाहता था कि जो लाइटनिंग फ्लैसेज है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक रूप है और वन आफ्टरनून को उसने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था वैन ड्रॉप्स वर पेल्टिंग डाउन तब उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वट ही नीड टू डू ही नीड टू कीप सिल्क रिबन ड्राई क्लियर अगर वो वेट हो गया तो क्या हो जाएगा उससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना So, at last, what happened? When he tapped the key with his finger, sparks flew and it was electricity. Clear? We have read up to here. Now we will read. Benjamin Franklin was very lucky on that day, not because he proved his theory. बट बिकॉज ही डिडन्ट गेट ए किल्ड बेंजेमिन बहुत ही लक्की था उस दिन इसलिए नहीं कि था, उसने अपनी थ्यूरी को प्रूव किया था किस लिए लक्की था बिकॉज ही डिडन्ट गेट ए किल्ड कि वो मरा नहीं क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट था उससे वो डाई हो सकता था न दोज हु फ्लाई काइट्स मस्ट रिम्बर दिस यानी कि जो भी काइट को फ्लाई करते हैं ना उनको ये चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए कभी भी स्टोरमी नाइट को स्टोमी डे को उनको काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए नो काइट्स ऑन अ स्टोमी डे मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट और एक काइट को बनाने के लिए कभी भी मेटल का यूज नहीं करना चाहिए ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लॉन अराउंड पावर लाइन्स और कभी भी काइट को पावर लाइन्स हैं जहाँ पर भी बिजली की लाइनें वगैरह हैं वहाँ पर उसको फ्लाई नहीं करना चाहिए इट इज़ डेंजरस टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम अ रूफ टेरेस दैट डजेंट अ पैरापेट पैरापेट मीन्स मुंडेर दीवार यानी कि जिस जिस रूफ जिस रूफ़ की टेरेस पे क्या नहीं है पैरापेट नहीं है वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स देयर पीपल ओफन फॉल फैटिली ऑफ द एज ऑफ द रूफ पीपल ओफन फॉल फैटिली फैटिली मीन्स इन अ मैनर दैट कैन कॉज डैथ यानी कि जिसके कारण मौत भी हो सकती है ऑफ द एज ऑफ द रूफ यानि कि जिस रूफ पर क्या नहीं है पैरापेट नहीं है उस रूफ पर काइट को फ्लाई करने से क्या हो सकती है डेथ भी हो सकती है कब वैन दे कीप टगिंग एट द स्ट्रिंग एंड वो बैकवर्ड्स विद आईज फिक्स ऑन द काइट इन द स्काई यानी कि जिस जिस रूप के ऊपर पैरापेट नहीं है अगर उस रूप पे रूफ पे आप काइट को फ्लाई कर रहे हो और जब आप स्ट्रिंग को टगिंग कर रहे हो उसको खींच रहे हो उसकी डोरी को एंड वो बैकवर्ड्स और पीछे की तरफ जाते हो विद विद आईज फिक्स अपनी आइज को किस पर फिक्स करते हुए काइट के ऊपर फिक्स करते हुए जो जो कहाँ है स्काई में तो यू कैन यू मे फोल आप गिर सकते हो क्लियर टुडे काइट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर फन फैमिलीज गो टू ओपन स्पेसेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स आज के टाइम पे लोग फैमिली काइट फ्लाई करने के लिए कहाँ जाते हैं पार्क में या बीचेस पर सम टाइम देयर आर काइट फ्लाइंग कंटेस्ट और कई बार क्या होते हैं काइट फ्लाई के कंटे कंटेस्ट भी होते हैं प्रतियोगिताएं भी होती हैं एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट और जो एक्सपीरियंस्ड है काइट को फ्लाई करने में एक्सपीरियंस फ्लायर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अपने काइट को वो भेज देते हैं अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट कुछ ही मोमेंट में नोविस नोविश होते हैं नो सीखिया यानी कि पीपल हु आर न्यू एंड डू नॉट हैव द स्किल टू डू समथिंग क्लियर नोविस मीन्स पीपल हु आर न्यू एंड डू नाट है स्किल टू डू समथिंग नीड अदर्स टू हेल्प दैम जो नोविस होते हैं उनको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है एंड सम पेशेंस और कुछ पेशेंस की क्लियर इंडिया हैज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग इंडिया में काइट फ्लाइंग का बड़ा ओल्ड ट्रेडिशन है परम्परा है इंडियन रूलर्स एट वंस लव दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना और जो इंडियन रूलर्स थे वो इतना ज़्यादा लव करते थे काइट फ्लाइंग को कि वो इसको इम्पोर्ट करते थे एक होता एक्सपोर्ट करना एक होता इम्पोर्ट इम्पोर्ट होता है आई थिंक दैट इज़ ब्रॉड फ्रॉम अनादर कंट्री किसी चीज़ से कोई चीज़ मंगवाना होता है इम्पोर्ट और किसी चीज़ में सॉरी किसी देश में किसी चीज़ को भेजना वो क्या होता है एक्सपोर्ट सो so, इम्पोर्ट करते थे मंगवाते थे काइट को कहाँ से चाइना से काइट्स also become पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज इट was वेरी इट was easy टू मेक them और काइट किस लिए फेमस बन गया था क्योंकि इसको बनाना क्या था बड़ा इजी था एंड वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई दैम और इसको फ्लाई करने के लिए किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरतें भी नहीं थी द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द सिक्सटीन सेंचुरी सवाई राम सिंह जो जयपुर के राजा थे सिक्सटीन सेंचुरी में सवाई राम सिंह वो सो फोन्ड ऑफ काइट्स इतने ज़्यादा काइट के शौकीन थे दैट ही एस्टेब्लिस्ड कि उसने स्थापित कर दी थी अ काइट फैक्ट्री टू स्पेसिफाई स्पेशली मे काइट्स फॉर हिम यानी कि जो जयपुर के जो राजा थे सवाई राम सिंह वो इतने ज़्यादा फोन्ड ऑफ थे काइट फ्लाई के कि उसने एक फैक्ट्री भी सेटअप कर दी थी क्योंकि वो क्या करते थे ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ काइट फ्लाइंग सो दैट द दिस फैक्ट्री कैन मेक कुड मेक काइट फॉर हिम इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप मेड विद पेपर एंड बैम्बू इंडियन काइट्स जनरली किसके बने होते थे डायमंड शेप होती थी और वो पेपर और बैम्बू बांस की लकड़ियों के बने होते हैं होते थे द वेरियस कलर्स डिजाइंस एंड पिक्चर्स ऑफ गोड एंड गोडेसिस वेरियस कलर्स और डिजाइंस और जिस पर पिक्चर्स होती थी गोड और गोडेसिस की देवी देवताओं की मेक एक दैम लो डिफरेंट वो उसको डिफरेंट लुक देती थी मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन फोर्टीन जनवरी इज़ द ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति जो चौदह जनवरी को आती है वो एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है ऑन संगक्रांति डे इन सिटीज़ लाइक like जयपुर एंड अहमदाबाद संगक्रांति वाले दिन जो जयपुर और अहमदाबाद सिटीज़ हैं द स्काई लुक्स डेजलिंग विद द स्पेक्टिकुलर साइट ऑफ मिलियन काइट्स फ्लाइंग साइमिल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम संगक्रांति वाले दिन जो जयपुर एंड अहमदाबाद जो सिटीज़ हैं वहाँ पर स्काई बड़ा कैसा दिखता है इम्प्रेसिव दिखता है डेज़लिंग दिखता है क्योंकि मिलियन काइट्स फ्लाई होते हैं एक साथ इन द स्काई चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल्स और चाइना और जापान के भी अपने इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल होते हैं जिस तरह से इंडिया में होते हैं वैसे ही चाइना और जापान के भी अपने काइट फेस्टिवल्स होते हैं काइड्स कैन भी लार्ज एंड काइड्स कैन भी लार्ज एंड एलेबोरेट और स्मॉल और सिम्पल काइड्स लार्ज और एलेबोरेट भी हो सकते हैं एलेबोरेट मीन्स केयरफुली प्रिपेर और ऑर्गेनाइज स्मॉल और सिम्पल भी हो सकते हैं सम काइट्स आर वेरी चीप यू कैन मेक अ काइड ऑफ योर ओन यूजिंग द स्टिक्स पेपर टैप एंड अ रील ऑफ स्ट्रिंग सम काइट्स क्या होते हैं कुछ काइट बड़े चीप होते हैं बड़े सस्ते होते हैं आप उनको अपने आप बना सकते हो स्टिक्स पेपर टेप और रील की मदद से द नेक्स्ट टाइम यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फ़न टू डू गो फ्लाई अ काइट अगर जब कभी भी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू अगर आपका कुछ फन करने का मन करे वट यू हैव टू डू गो फ्लाई अ काइट क्या करो फ्लाई आ काइट क्लियर? सो डियर किड्स इट वॉज योर चैप्टर काइट्स